ओहो क्या गाड़ी है भाई, ये हार्ले डेविडसन है या इंडियन स्कॉट की गाड़ियाँ हैं पता नहीं, लेकिन बहुत गजब लग रही है। अब इतना पतला सड़क है भाई साहब, यहाँ से तो एक गाड़ी और एक बाइक पास होना बहुत मुश्किल का सौदा है। Here we go for a new ride to Almora. Very good morning to all the Pahari Nomadians. टाइम हो रहा है 7:25 और आज मैं इन्जॉयमेंट वाली राइड में नहीं बल्कि काम वाली राइड में निकला हूँ। द डिस्टेंस विल बी ऑफ 75 किलोमीटर फ्रॉम बागेश्वर टू अल्मोड़ा। मौसम चल रहा है बारिशों का और मैं थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर्ड रख के चल रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी कुछ रेन गियर पहने नहीं हुए, जो बारिश का टाइम होता है वो राइड के लिए थोड़ा सा रिस्की जैसा होता है, बट मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड, बारिश में राइड करने का मज़ा थोड़ा सा अलग होता है। पिछले कुछ समय से जो ये क्लासिक 350 है ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है। सब कुछ काम कराने के बाद भी इसका स्वास्थ्य यानी कि इसकी हेल्थ अप नहीं हो रही बिल्कुल भी। शिट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। इसको थोड़ा सा चेकअप कराने के लिए अल्मोड़ा ले जा रहे हैं। 2 या 3 मैकेनिक को दिखा चुका हूँ और सॉल्यूशन अब तक नहीं निकल पाया। द प्रॉब्लम इज़ पहले गियर में गाड़ी मिसिंग कर रही है। अगर ये जल्दी ठीक हो गई तो इसके बाद थोड़ा सा फर्दर लंबा प्लानिंग है कि मैं डोलाश्रम प्लस जागेश्वर ये दोनों लोकेशन एक्सप्लोर करूंगा इस राइड में। प्रायर 9 बजे मुझे रॉयल एनफील्ड की एजेंसी में गाड़ी लगानी है ताकि पहला नंबर आए और गाड़ी का मरम्मत थोड़ा सा जल्दी हो सके। ये बाइक के चक्कर में अपना 2 दिन बर्बाद कर दूंगा तो कोई भी लोकेशन ढंग से ना एक्सप्लोर कर पाऊंगा ना घूम पाऊंगा भाई साहब। वीकेंड तो यहाँ बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी का काम कराना बहुत ज़रूरी है। भी काम हो गया था इसका, थैंक्स टू द डिस्क ब्रेक कि एम मौके पर एम टाइम पर लग जाता है। अल्मोड़ा में मुझे मिलेंगे मेरे जूनियर और मेरे बहुत खास दोस्त मयंक। मयंक थोड़ा मेरी मदद करने वाले हैं इस राइड में। अगर बाइक शुरू से थोड़ा थोड़ा खर्चा मांगने लगे ना भाई साहब, वेरी सेटिस्फाइड होना चाहिए। और जब इकट्ठा परेशानी उठानी पड़ती है ना ये बाइक ख़राब होने से, तब बड़ा बेकार लगता है। मौसम अभी भी क्लाउडी हो रहा है, पूरा बारिश वाला है, बादल एकदम काले, आप देख रहे हो एकदम थंडर क्लाउड्स टाइप में। लेकिन जब आप पहाड़ों में मौसम का अनुमान लगाएंगे तो सबसे पहले आप जज करेंगे हवा को। हवा ठीक ठाक चल रही है, बारिश नहीं होगी यानी कि कुछ समय तक नहीं होगी। जैसे ही मौसम थोड़ा शांत हो जाए यानी कि हवा थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद बारिश आने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। पहाड़ों के मौसम का तो कुछ नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा सडन होता है। रेनकोट होना राइड के दौरान मैंडेटरी है। आप चाहे इसको विंड से बचने के लिए पहन सकते हैं, आप चाहे इसको पानी से बचने के लिए पहन सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऊपर नीचे ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट, ढलान में सब जगह आपको स्टे हाउसेज, होम स्टेज मिलेंगे, रेस्ट हाउसेज मिलेंगे, रिजॉर्ट्स मिलेंगे। मतलब ऑल ओवर ये जगह सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक आता है। यहीं पर जस्ट कसार देवी टेम्पल ऊपर पे है, तो अगर वापसी में वक्त मिला तो मैं आपको कसार देवी टेम्पल भी एक्सप्लोर कराने की कोशिश करूँगा। और इस रीजन का नाम माँ कसार देवी के नाम पर ही पड़ा है। हाँ मयंक, हम भाई डोलमारा पहुँच गया हूँ। ठीक है ठीक है, तुम ऊपर के रास्ते मार्केट से आओगे ना? हाँ मार्केट से आऊँगा। ठीक है, शिखर होटल पे मिलता हूँ फिर। शिखर होटल में मिलते हैं, ठीक है भाई साहब। ओके, एनटीडी 2-3 गाड़ियाँ आगे, उससे आगे 2-4 गाड़ियाँ ऑल ओवर इस रोड में। जो ये जगन्नाथ वाली चढ़ाई है ना यहाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है एंट्री रेस्ट्रिक्शंस हैं। होता क्या है, गाड़ियाँ यहाँ से नीचे तो जा सकती हैं लेकिन ऊपर नहीं आ सकती। अब इतना पतला सड़क है भाई साहब, यहाँ से तो एक गाड़ी और एक बाइक पास होना बहुत मुश्किल का सौदा है। सामने से जो रास्ता जा रहा है ऑन द लेफ्ट को, ये जाएगा लाला बाज़ार को, यहाँ की सबसे फेमस मार्केट लाला बाज़ार। और अब हम लोग जा रहे हैं एजेंसी की ओर को। सुबह के टाइम यहाँ पर टैक्सीज वगैरह ज़्यादा चलती हैं तो ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दिन के टाइम थोड़ा सा कम होता है, दिन शाम के टाइम फिर से वही ट्रैफिक वापस आ जाता है। तो शहर की भीड़ प्लस आने जाने वालों की भीड़ मिला के यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ जमा हो जाता है। तो हम पहुँच गए रॉयल एनफील्ड अल्मोड़ा। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ अल्मोड़ा। और एनफील्ड की एजेंसी में। और हमारे साथ मयंक भाई हैं, थैंक यू सो मच मयंक भाई हमारे साथ यहाँ आए हैं आज थोड़ा बहुत हमारी मदद करने के लिए। मुझे पहली बार राइड में नींद लगने लगी। 75 किलोमीटर का सफ़र मैंने 3 से 4 बार रुक के किया। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है एक राइडर के लिए। ऑल ओवर लंबा राइड करने का स्टैमिना भी उतना अच्छा खासा तो बिल्कुल भी नहीं बना है, लेकिन अब धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। आज अगर जल्दी बाइक ठीक हो गई तो हम लोग एक नई राइड के लिए निकलेंगे आज। वही तो दिक्कत है, एक तरफ को भाग दिया था। इधर आपको ही बताइए। अब मैं जा रहा हूँ भैया के वहाँ, आज मैं उन्हीं के वहाँ रुकने वाला हूँ। एंड लगेज वगैरह वहाँ रख के मैं आगे का प्लान करता हूँ कि आगे करना क्या है। लेकिन उससे पहले इस भीड़ भाड़ से निकल के कुछ खाने की बहुत प्रबल इच्छा है मेरी, भूख बहुत भयंकर लगी पड़ी है। और अल्मोड़ा का ट्रैफिक आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे साथ मयंक भी हैं आज, और भाई की हेल्प से थोड़ा काम हमारा जल्दी हो गया। ओहो भाई साहब, कब तक अटका रहूँगा मैं अल्मोड़ा की सड़कों में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बस बारिश ना हो ताकि हम आगे का राइड कंटिन्यू कर सके। तो मोस्ट प्रोबेबली आज मैं एक स्पॉट कवर करूंगा। अल्मोड़ा से लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर, 5-7 मिनट ऊपर लगेगा, हम लोग जागेश्वर क्रॉस कर सकते हैं। इट इज़ नियर अबाउट 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द अल्मोड़ा सिटी। ओहो क्या गाड़ी है भाई, ये हार्ले डेविडसन है या इंडियन स्कॉट की गाड़ियाँ हैं पता नहीं, लेकिन बहुत गजब लग रही है। हार्ले है ये, हार्ले। ओहो मनोज प्रणाम, मदद कर दूं क्या? लोगों लाता हूँ। भला लगा लोगों, करो करो आप, मैं रखते जाता हूँ आप लगाते जाओ। नहीं मनोजा बस सामान रखना है ये, फिर आप अड्डा बताओ चलते हैं साथ में खाने। और हैं वाह यार गजब दिखता है यहाँ से तो, ये लोकेशन बड़ा गजब दिख रहा है। राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ग्रेट लंच, क्योंकि आज दिन भर सुबह 5 बजे से इतनी भागा दौड़ी चल रही है कि बता नहीं सकता आप। एंड राइट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, गाड़ी का काम हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, कपड़े चेंज कर लिए, फ्रेशन अप हो गए। तो फिर से ट्रैफिक का दमदार सामना, क्या ड्रामा हो गया ये। अरे यार वो टेम्पो फंस गया ना, वो टुक टुक फंस गया था नाली में। हाँ बट ये शहर इतना कंजस्टेड है, मतलब यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं निकाल सकते, कोई चांस ही नहीं है स्पेस निकलने का। दोनों रोड साइड में दुकानें हैं। एंड जस्ट 1, 2 एंड हेयर इज KFC, KFC का छोटा भाई।